नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं। खेत में सिंचाई हेतु जल संग्रहण के लिए आप किस प्रकार से प्लास्टिक सीट से यानी कच्ची डिग्गी का निर्माण कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा आपको दे होगी और कितना इस पे टोटल खर्चा बैठेगा। हमारे साथ है एक प्रगतिशील किसान जिन्होंने अपने खेत में जल संग्रहण हेतु कच्ची डिग्गी का निर्माण किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ है प्रोसेस और कितना खर्च आएगा। भाई साहब, कितने साइज की है डिग्गी आपकी? 48x47 ही है भाई जी। 48x47। कितने बीघा का पानी आ जाएगा इसमें? 2.25 बीघे का पानी आएगा। 2.25 बीघे का, हाँ। तो इसमें क्या कुछ खर्चा आ गया आपका इसको बनाने में कंप्लीट? इसमें कंप्लीट भाई जी 60,000 रुपये खर्चा आया है। 60,000 रुपये, हाँ। इसमें खुदाई के ऊपर कितना लगा? इसमें खुदाई के ऊपर मशीन के लगे 8.5,500 रुपये। जेसीबी मशीन से? हाँ, जेसीबी मशीन से। अच्छा, और ट्रैक्टर करके? ट्रैक्टरों से मिट्टी ढोई, उस मिट्टी के लगे 6,000 रुपये। यानी 14,000 रुपये खर्चा, हाँ, खुदाई खुदाई का है। हाँ। इसके बाद में जो कागज आप लेके आए हो, हाँ जी, कोई गारंटी वगैरह भी है? इसकी गारंटी है साहब 3 साल की। 3 साल की, हाँ। अपन ले आपने? अपन लिया को नहीं जी, अपने बाधरांग ही हैं, वो आगे ही फिट करके गए थे, आप ही आए थे। अच्छा, उनका सारा, उनका ही? हाँ, उनका ही है सब। ठीक है। और टोटल जैसे आपने बताया 48x47 की है, हाँ जी, तो इसको बनाने में और जो मिस्त्री का और करके टोटल कितना खर्च बैठा आपका? 60,000 रुपये खर्चा आया साहब सगड़ा कंप्लीट। हाँ, ठीक है। आपके पास नहरी जमीन कितनी है अभी? अभी नहरी जमीन 2 किला है जी। यानी अपना जो जरूरत के हिसाब से पूरी कंप्लीट बैठी, हाँ। है। इसके अलावा आपने इसकी जो जाली बंदी कर रखी है इसके ऊपर कितना खर्चा आया है? जाली बंदी पर 6,000 रुपये खर्चा आया साहब। जाली एंगल का और जाली का साथ? हाँ, एंगल और जाली दोनों चीज का 6,000 रुपये खर्चा आया। ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो 2-4 साल बाद इसको आप खुद पक्का भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। इसमें अभी कोई सब्सिडी वगैरह मिली आपको? नहीं साहब, कोई सब्सिडी नहीं मिली। कोई पैसों से बनाई है? हाँ, घर के पैसों से। ठीक है जी। तो अभी जैसे इसके ऊपर पानी उठाने के लिए आप मोटर रखोगे या इंजन? इंजन रखेंगे जी, पंखा इंजन। ठीक, हाँ जी। आपको बता दें कि राजस्थान का मूल निवासी किसान यदि अपने खेत में वाटर यानी जल संग्रहण हेतु कच्ची प्लास्टिक डिग्गी का निर्माण करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा अधिकतम 50% यानी जितना टोटल खर्च आएगा उसके आधी कीमत सब्सिडी पर दे हैं। इसके लिए कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं? योजना के लिए कम से कम किसान के पास 1 हेक्टेयर नहरी भूमि होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए भामाशाह कार्ड अनिवार्य रहेगा, जिसको आजकल जन आधार कार्ड भी कहा जाता है, और पहचान पत्र के तौर पे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें आपकी सब्सिडी की राशि आएगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, किसान की 2 फोटो चाहिए, और पटवारी के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों में जमाबंदी, भूमि का नक्शा यानी आपने कौन से किला नंबर और कौन से मुरब्बा नंबर में डिग्गी बनाई है। इसके अलावा भूमि प्रमाण पत्र की आपकी नहरी जमीन कितनी आती है। इसके अलावा किसान डिग्गी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहां आपको एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत डिग्गी हेतु सब्सिडी का विकल्प चयन करना है। आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको जन आधार कार्ड या भामाशाह नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपके सामने डिग्गी अनुदान योजना से जुड़ा फार्म खुल जाएगा जिसमें आपको पूछी गई सही जानकारी देनी है। अपने सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। आपको आवेदन की रसीद प्राप्त होगी जिसको डाउनलोड कर लेना है। आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आपको मूल दस्तावेजों को संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में जमा करवाना जरूरी है। आवेदक खुद या डाक की सहायता से इन दस्तावेजों को जमा करवा सकता है। जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी, इसे आप संभाल कर रखें। अधिकारियों के द्वारा भूमि का निरीक्षण किया जाएगा जिसके बाद वे निर्णय लेंगे कि आपको इस योजना का लाभ देना है या नहीं। यदि आप स्वयं डिग्गी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप ई मित्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको सेंटर से रसीद प्राप्त होगी जिसे आप संभाल कर रखें, भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि आपको इस संबंध में और कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई डाउट, शंका या सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में भी आपको खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।